सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे ही स्किप ना हो पाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो प्रोडक्ट जो कि बायोटिक के हैं। और गाइस, ये प्रोडक्ट मुझे इतने इतने इफेक्टिव लगे कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दोनों प्रोडक्ट हैं, बायोटिक का एक मॉइस्चराइज़र और एक ये पपाया स्क्रब है। तो मैं इन दोनों का आपको रिव्यू, तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए स्टार्ट। सो गाइज, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइजर नेक्टर और फॉर ऑल स्किन टाइप विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड और तो ये प्रोडक्ट है और इसकी मतलब कि एकदम सिंपल से पैकेजिंग है और ये प्लास्टिक बॉटल है। सो गाइस, इसका सबसे अच्छा यही मुझे लगा कि ये प्लास्टिक बॉटल है और गिरेगी भी तो ये टूटेगी नहीं। और इसमें स्ट्रैक्स और गाइस, मैं इसका आपको प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस है 199 और जो कि मैंने purple.com से ही लिया था इसको भी। और काफ़ी अच्छा है, ये लाइट वेट है, जब फेस पे लगाते हैं तो बिल्कुल भी लगता नहीं है कि कुछ लगाया हुआ है। सो गाइस, ये 100 ml का है और इसमें लिखा हुआ है लाइन लाइन्स एक्टर रिप्लेस। सो गाइस, ये आपकी स्किन को स्मूथ बना देगा, सिंपल बना देगा। और गाइस, इसको आप मॉर्निंग में यूज़ कीजिएगा, जब आप मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करेंगे उसके बाद इसको यूज़ कीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छा है और इसको जब आप इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही गाइस, इसका पंप तो है नहीं है बट इसको हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है इसलिए मुझे निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सो गाइस, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, ना ही ज़्यादा ये थिक है ना ही ज़्यादा लिक्विड है। सो ये बहुत ही अच्छा है, देखो जल्दी से ये मेल्ट भी हो जाता है, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, जल्दी से ये अब्सॉर्ब हो जाता है। बस थोड़ा सा हल्के हाथों से हम इसको मसाज करेंगे बस, और ये तुरंत अब्सॉर्ब हो जाता है। सो गाइस, मुझे इसकी यही सबसे अच्छी क्वालिटी लगी और सर इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है ये। और मेरी स्किन ऑयली है तो मेरी स्किन पे तो बहुत अच्छा जाता है। बस हो गया, बस इतना ही है इसका। सो गाइस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो मैं अपनी स्किन को, इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसकी और इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, एकदम लाइट स्मेल है और ना कि इतनी ज़्यादा भी वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बायोटिक का स्क्रब है। ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया था बायोटिक का। सो गाइस, इसके बारे में आपको बता देती हूँ, इसकी पैकेजिंग भी सेम प्लास्टिक का टब है और बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है दोनों की ही। और इसमें भी ये भी 199 का ही है और ये 75 mg का है। और ये स्क्रब है तो इसलिए ये 10 रिमूव आपके जो एक्ने होंगे, 10 रिमूवल है, आपकी स्किन को लाइटन करेगा और ब्लैकेट्स वेट्स हैं जो उनको रिमूव करेगा। सो गाइस, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खासकर उनके लिए ये सब प्रोडक्ट अच्छे हैं जिनके, जो कि लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता DIY करने का। तो गाइस, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगी। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप ये यूज़ कर सकते हो। और गाइस, मैं इसका आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, पैकेजिंग एकदम नॉर्मल है और काफ़ी मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है, आप देख सकते हो काफ़ी यूज़ किया हुआ है। और इसका भी टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, तो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्मूथ हैं कि आपको बिल्कुल लगेगा भी नहीं कि आप कुछ स्क्रब कर रहे हो, ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा है।
आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये सबके लिए। आप देख सकते हो एकदम आराम से, नॉर्मली मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ और फिर स्किन पे बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने फाइन है कि बिल्कुल भी स्किन को हार्म नहीं करेगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। सो गाइस, ये पार्टिकल्स हैं जो हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करते हैं और डेड स्किन को रिमूव करते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और सो गाइज, मैं अपनी वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।